अपने स्टार्ट बटन दबाता हूँ तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। जीपीएस का प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हुआ एंड कभी कभी थोड़ा मोटर का साउंड आ रहा है, वो भी अगर प्रॉब्लम है तो दोनों एक साथ में ठीक करा दूंगा। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ऑसम। ओ कैमरा थोड़ा नीचे हुआ है। एज आई टोल्ड इन द लास्ट व्लॉग, आई वॉज फेसिंग अगेन फ्यू इशूज़ ऑन माई स्कूटर। वो इशू बेसिकली तीन है। एक तो नेविगेशन इशू, वो तो मैं शॉर्ट्स डाल दिया था, उसके बाद में मोटर का भी साउंड आ रहा था। वो एग्जैक्टली कैसे साउंड आ रहा वो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। एंड इन दिस ब्लॉग ओनली यू विल कम टू नो द सोल्यूशन ऑफ ऑल दोज थ्री प्रॉब्लम्स। फर्स्ट मैप नेविगेशन, उसके बाद में मोटर साउंड एंड देन हेडलाइट थोड़ा ऊपर है, वो नीचे करवाना है मुझे। तीनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आज आप लोग को देखने को मिलेगा। मैं अपॉइंटमेंट लिया था तीन दिन पहले ही, तो आज टेक्नीशियन विजिट करने वाले हैं। राइट नाउ इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग। द मेन रीजन बिहाइंड मेकिंग दिस काइंड ऑफ व्लॉग्स, मतलब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 हो या फिर S1 Pro, मेरे स्कूटर में हद से ज़्यादा दुनिया भर के प्रॉब्लम्स मेरे स्कूटर में आए, बट देन इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से प्रॉब्लम को क्या सोल्यूशन मिलने वाला है। मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे स्कूटर में मोटर का साउंड आ रहा है ना, तो उसको सोल्यूशन क्या देने वाले हैं वो लोग, वो आपको पता चलेगा। सो दैट यू विल बी कम्फर्टेबल इन स्विचिंग टू EV वर्ल्ड या फिर परचेजिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर। मेरा एक ही इंटेंशन है दैट I should convince most of you guys to switch to EV world. पेट्रोल वर्ल्ड से EV वर्ल्ड में स्विच होने के बाद प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे, तो मेरे स्कूटर में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। थ्रू दैट आई एम लेटिंग यू नो गाइज कि दीज आर द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स एक कॉमन है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, तो आपको पता चलेगा हेडेक नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अभी प्री इन्फॉर्म कर देता हूँ आप लोग को। सो यस, काम चालू हो गया अभी उधर। नंबर प्लेट में प्लास्टिक कवर लगवाया मैंने, एज यू कैन सी हियर नंबर प्लेट में प्लास्टिक कवर है। एक पीछे लगाया मैं और एक आगे का जो है प्लास्टिक कवर मैं ले गया बट लगाया नहीं। माय माइंड फिल्स अप इनटू अ क्रिएचर एंड इट हॉन्ट्स मी समवेयर मच डीपर। आई बीन फीलिंग वीर, आई कांट सीम टू फोकस गुड एनफ, नथिंग्स रियली क्लियर, समटाइम्स इट कुड बी अ लिटिल टफ, आई जस्ट नीड टू फील लाइक द एंड्स इनसाइड फॉर मी, बट लेट्स बी रियली रियल एंग्जायटी। ये परसों कुछ प्रॉब्लम हो गया था स्कूटर के साथ, ये बेंड हो गया, यहाँ पे बेंड हो गया वो। अगर इसमें प्लास्टिक कवर होता तो कुछ नहीं होता, क्योंकि बेंड होने का चांसेस ही नहीं रहता। उसका एक्सपेंडिचर मुझे आया है ₹250 फॉर बोथ, दोनों नंबर प्लेट के प्लास्टिक कवर इंस्टॉलेशन सबको चाहिए, उसमें ₹250 में हो गया। अभी भी ये कवर्ड ही है। हाँ, तो इसके अंदर नंबर प्लेट आएगा। अगर मैं ये लगवाता तो बेंड नहीं होता था, बट देन इट्स ओके, कोई बात नहीं, लगवाएंगे अभी नहीं थोड़े दिनों बाद, क्योंकि अभी मन नहीं कर रहा है। इसका बूट स्पेस एवरी टाइम आई ओपन द बूट। क्या बात है सर, क्या बात है, कितना ठंड है भाई, मैं तो परेशान हो गया। लाइट में करेंगे सो दैट यू कैन सी प्रॉपरली। 1942 किलोमीटर ऑल टाइम। मैं लिया था स्कूटर 27th December 2022। What? अभी हो गए ऑलमोस्ट 3 months के आसपास, 2.5 months। तो 2.5 months में 1942 किलोमीटर्स रन हुआ है। अभी तक मुझे MOS 3.0 वो अपडेट नहीं आया है। नेविगेशन का एग्जैक्ट प्रॉब्लम मैं अभी एक बार आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। स्टैंड भी ओपन कर दिया मैं, इट्स रेडी। ओके, नॉर्मल में आ गया, स्कूटर इज गुड टू गो। ओके, तो अभी चेक करते हैं मैप एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, आपको पता चलेगा। ये बराबर दिखा रहा है सब कुछ, जब मैं स्टार्ट प्रेस करता हूँ तो कुछ नहीं आ रहा। जब से मैं स्कूटर लिया तब से मैप का प्रॉब्लम है। फर्स्ट टाइम आए थे, सॉफ्टवेयर में कुछ करके गए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद में केबल आके चेंज करके गए, 5-10 दिन तक ठीक था, उसके बाद में फिर से प्रॉब्लम आया। अभी क्या चेंज करेंगे मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। 1-2-3 ब्लॉक्स पहले एक शॉट डाला था मैं, उसमें नेविगेशन सर्विस एरर कुछ आ रहा था। अभी स्टार्ट तब भी आ रहा था मुझे, अभी ये एक ही आ रहा है, मतलब नेविगेशन एरर वो मैसेज नहीं आ रहा है। एंड मोटर में साउंड आ रहा था ना, वो एक बार सुन लेना, मैं रिकॉर्ड किया 2 वीडियोज़, एक चलाते वक्त और एक बिगनिंग स्टार्टिंग में जब पिकअप लेता हूँ तब। 2 वीडियोज़ आप लोग देख लेना, उसके बाद में मैं मिलता हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद। अभी सुनो, बाहर गया था मैं, अभी जस्ट आया, लोग आके मेरे अंदर हो गए। 20 मिनट्स
आ जाओ। हाँ लास्ट टाइम किए थे वो सेम मैप इशू आया था, केबल चेंज किए थे तो अभी फिर से वही प्रॉब्लम। अभी ये तो हो गया ना, हाँ, मोटर का तो हो गया, अभी ये हेडलाइट का भी हो गया, फिर एक मैप इसे एक पेंडिंग है वो एक थोड़े दिनों में ही हो जाएगा। सो भैया बोल रहे कि एक 7-10 डेज में हो जाएगा, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके वो तो हो गया, भाई मोटर का तो एक्चुअली लूज हुआ था ना ये। ऑल द इश्यूज हैज बीन रिजॉल्वड एंड दे आर गोइंग बैक होम। वो एक इशू सॉल्व हो जाए तो कमाल ही हो जाता, बट देन इट्स ओके, कोई बात नहीं। कोई कोई चीज़ थोड़ी पेंडिंग रह जाती है। मैं उनको बोला था कि स्टार्टिंग में कि नोट डाउन ऑल द 3 प्रॉब्लम्स दैट आई एम फेसिंग। एक है मोटर का प्रॉब्लम, उसके बाद में हेडलाइट का तो हो गया, अभी मैप इशू एक पेंडिंग है। मैप इशू लास्ट टाइम भी पेंडिंग था, इस बार भी पेंडिंग है, मेरे नसीब में है नहीं लग रहा है मुझे। जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया, मोटर का तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, मोटर ठीक ही था, बट वो जो नट्स रहते हैं ना थोड़े ढीले हो गए थे, टाइट किए, हो गया अभी प्रॉब्लम। जो भी था माइनर प्रॉब्लम था, तो इट वाज विद इन वारंटी, आई डिडंट पे ए सिंगल पेनी टू देम। जब वो बंदा फर्स्ट आया था, आते साथ मुझे बोल दिया कि सर मैं आपको आपकी वीडियोस देख लिया, काफी ज्यादा अच्छा बना रहे, जो भी इश्यूज है इमीडिएटली रिपोर्ट करके जैसे भी सॉल्यूशन मिलेगा आपको, जो भी ओला का एक्चुअल सिस्टम है वो। मैं बोला ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट कॉम्प्लीमेंट। वो कैमरा में रिकॉर्ड करना भूल गया मैं, बट देन इट्स ओके, कोई बात नहीं। 2:20 इन द आफ्टरनून, तो खाना खा के फिर से मैं उधर जाना था, उधर जाके समझाता हूँ मैं क्लियरली। दिस वॉज माई 3rd सर्विस इन जस्ट 1900 किलोमीटर। पहले से जो भी इंप्रूवमेंट्स हुआ मैं आज इस व्लॉग में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग, ओला सर्विस कस्टमर सर्विस नंबर जो भी है, पहले 17-20 मिनट तक वेटिंग रहता था कॉल रिसीव करने के लिए, अभी 2-3 मिनट के अंदर अंदर रिसीव कर रहे, विच इज़ क्वाइट गुड, तो वो एक इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद में सर्विस भी अच्छा खासा हो गया है। GPS का प्रॉब्लम तो फर्स्ट टाइम जब मैं करवाया था, लास्ट सर्विस का जो व्लॉग था उसमें सर्चिंग फॉर GPS करके आ रहा था, इस बार स्टार्ट जब दबाता हूँ मैं तब वो काम नहीं करता। एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन जो है, मैं उनको पहले ही बोल दिया था कि ये तीनों प्रॉब्लम्स है, ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी आपके पास सोल्यूशन है, जो भी पार्ट्स है वो लेके आ जाना, उनको पहले ही बोल दिया था, बट देन GPS का प्रॉब्लम एक रह गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो पार्ट जो भी है वो लोग ही आके ठीक करके जाएंगे, अभी मुझे कंप्लेंट रजिस्टर करने का जरूरत नहीं है। अभी उसका सोल्यूशन भी एक व्लॉग डालूंगा आप लोगों के लिए, सो डू चेक दैट आउट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू गाइस एंजॉयड दिस व्लॉग देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एज ऑलवेज फ्री में लेके चलते चलते, तब तक के लिए हंसते हंसते हैप्पी डेस्परेट गाइस, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। ये देखो भाई साहब, ये क्रैक देख के मैं परेशान हो गया। Inside for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.